हाय, आज हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम के 5 पार्ट पर। और इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग इस लॉगरिथम के कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा बात करेंगे। तो आज हम लोग टॉपिक पे पहले क्वेश्चन करेंगे। आइए, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या मैं राइट किया हूँ। हम लोग 12 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग अगर लॉगरिथम के में कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा बात करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन किया जाए। आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को करता हूँ। इसी से भी मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐड किया हूँ, आप देख सकते हैं। मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो विचार करें, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप विचार करें, सोचिए कि आपका आंसर क्या मिलने वाला है। हाँ, एक बात हो, बहुत बड़ी बात मुद्दा नहीं है। लॉग कॉस 60 का मान क्या होगा? तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है और साइन 60 का मान भी 1/2 होता है। अब किसी नंबर का लॉगरिथम उसी बेस पर कितना होता है, बहुत आसान क्वेश्चन था। दूसरा कंडीशन था लॉग कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 और टैन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1, बट ये जो है डिफाइंड नहीं है। याद रखना, बेस 1 नहीं होना चाहिए, पर नॉट डिफाइंड, याद रखना। दो क्वेश्चन आपसे हो गए। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा मैंने आपको दिया, जो मैं तीसरा क्वेश्चन दिया आपको, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप दिमाग लगाएं, सोचे आपका आंसर क्या होगा तीसरे क्वेश्चन का। मैं दिया लॉग टेन 1 डिग्री बेस 2, टेन 2 डिग्री, लॉग टेन 2 डिग्री बेस 2, लॉग टेन 3 डिग्री बेस 2, ऐसे डॉटेड है, इनटू है सारे। और तो इस टाइप डॉटेड लॉग टेन 89 डिग्री बेस 2 की वैल्यू क्या होगा? तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन करा दूं। देखो भाई, इसका भी आंसर 0 आएगा, बट एक क्वेश्चन और होता है जैसे आपको मिल जाए। मैं पर बात करूंगा लॉग टेन 8 डिग्री प्लस लॉग टेन 2 डिग्री प्लस लॉग टेन 3 डिग्री प्लस डॉटेड प्लस लॉग टेन 89 डिग्री। और हम जानते हैं कि लॉग एम बेस ए प्लस लॉग चाहे लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए हम लॉग एम एन बेस ए, इसका मतलब ये वही है। इसको लिख सकते हैं लॉग टेन 8 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री बोलिए इंटू टेन 3 डिग्री और डॉटेड टेन 89 डिग्री। और आप ट्रिमेंट्री जब पढ़ा करते हैं इसकी वैल्यू 1, मैं ट्रिमेंट्री पढ़ाऊंगा इसकी वैल्यू 1, बस अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ेंगे तो टेन 1 एंड टेन 89 1 हो जाएगा, टेन 2 एंड टेन 88 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यदि 90 डिग्री हो तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा की वैल्यू 1 होती है। उस फॉर्म्स में प्रूफ करूंगा, हल बीच में मिडिल में आएगा टेन 45 डिग्री जिसकी वैल्यू 1 होती है, ये रिजल्ट 1 होता है। और लॉग 1 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 0। कोई भी बेस हो लॉग 1 की वैल्यू 0, बट ये वैसा नहीं है, ये बीच में क्या है इंटू है, यहाँ बीच में प्लस था और ये इंटू है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सोच लीजिए इसके बारे में। यहाँ बीच में प्लस था तो लॉग एम प्लस लॉग एम प्लस लॉग पी डॉटेड ऐसे था, तो अब ये फॉर्मूला लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए को लॉग एम एन बेस ए बोल देते हैं, लेकिन ऐसा है यहाँ पर था ठीक है, बट यहाँ गुणा के रूप में है। तो यहाँ बहुत माइनर पॉइंट सोचना होगा, मिटा दे रहा हूँ, आप ट्रिग्नोमेट्री में बात करूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। यहाँ पर गुणा है बीच में, तो देखो एक बात सुनो, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। और ये बात आई कि लॉग टेन 1 डिग्री इंटू लॉग टेन 2 डिग्री, हाँ बेस टू आपका है, इंटू लॉग टेन 3 डिग्री बेस 2 आपका है, डॉटेड लॉग टेन 89 डिग्री और बेस 2 है ठीक। ज्यादा नहीं, आप एक बात सोचो बीच में, क्या बीच में कहीं पर लॉग टेन 45 डिग्री आएगा बेस 2?
आगे की नहीं ज्यादा नहीं सोचना है, बस एक कंडीशन जैसा tan 1 tan 2 tan 3 tan dot n tan log log tan 45 base 2 आएगा और tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो log 1 base 2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और इसकी वैल्यू 0 हो गई तो आप बताओ रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट विल बी 0, आपका रिजल्ट क्या होगा 0। बस ये इसमें कंडीशन सोचना है कि आप देखो पीछे मैं क्वेश्चन कराया बीच में प्लस था, इसलिए गुणा है ना तो आप जरूर ऐसा होगा बीच में क्या आएगा tan 1 tan 2 tan 3 बीच में क्या आएगा तो क्या आएगा log tan 45 डिग्री बेस कितना 2 और इसकी वैल्यू 1 तो log 1 की वैल्यू 0 और 0 से जब सब में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, विचार कीजिएगा। मैं आगे क्वेश्चन पर चलता हूँ। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी है log 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 16 बेस 2 बेस 4 बेस 16। एक बात बताओ, हम सिर्फ जानते हैं कि log m के पावर n इक्वल टू n log log m के पावर n इक्वल टू n log n, क्या 16 को आप लिख सकते हो 2 के पावर 4? यदि 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं तो क्या मिल जाएगा log 2 के पावर 4 बेस 2 देन 4 log 2 बेस 2 और 2 बेस 2 1 हो जाएगा, इसका मतलब कि आप इसे मिल जाएगा log बेस 16 log 4 बेस 4। बात समझना, 2 4 पहले आ जाएगा log 2 बेस 2 4 इंटू 1 और 4 बेस 4 1 हो जाएगा, log 1 बेस 16 वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी होगा। मैं आगे बात करता हूं, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, मैं अगला क्वेश्चन दिया हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें एक्स का मान पूछा गया है। पिछले वीडियो में मैक्स बहुत सारे क्वेश्चन कराया और फिर मैंने इस मुद्दे पर बात किया, log x स्क्वायर माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू 3 दिया गया, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 के पावर 3, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। आप विचार करें कि एक्स के कितने हल हैं, मैं आगे बात करूंगा कि इसके कितने हल हैं। यहां भी बात एक्स के कितने, पर एक्स का मान क्या है, मुद्दा है एक्स का मान क्या है। तो आप 3 भी रखोगे तो 3 का 9 माइनस 1 8, माइनस 3 भी रखेंगे तो 3 का 9 माइनस माइनस 3 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अतः तो हमारे पास x के दो वैल्यू है। कितने सॉल्यूशन है, इसके हल कितने हैं, तो हमारे x का मान, तो x का मान क्या क्या मिला, x का मान हमें मिलागा क्या 3 माइनस 3 और 3। कितने हल हैं तो कहेंगे दो हल है। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, हमें दो सॉल्यूशन की बात करनी होगी। हाँ, दोनों पे डिफाइंड है, चेक करना ना भूलें, चेक जरूर करें। इस पर मैं फिर आगे करूंगा कि चेक कीजिए, बिना चेक किए हम आंसर नहीं दे सकते। मिटा रहा हूं इस चीज को, लॉग 2x स्क्वायर माइनस 9 बेस x इक्वल टू में दिया आपको 2, देन 2x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 9, देन x इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब विचार करें, यहां पर एक x का मान माइनस 3, एक x का मान प्लस 3। अब बताओ क्या x बेस निगेटिव होता है, बेस निगेटिव नहीं होता है, तो अतः हमारा x का मान क्या होगा, केवल 3 होगा। कितने सॉल्यूशन हैं, तो बोलेंगे केवल एक सॉल्यूशन। अब विचार करें, सोचिए, हल कीजिए। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, आप विचार करें। अगला क्वेश्चन है, मैं 2 के पावर log 5 बेस 2, 2 के पावर log 5 बेस 2
and 5 के पावर log x बेस 5। अब विचार करें कोई एक ऐसा फॉर्मूला था बीच में बैक में पढ़े थे, मैं ऐसा किया था प्रूफ भी किया था, a के पावर log x बेस a को प्रूफ किए थे x। सॉल्व करें ऊपर से नीचे की तरफ और सबसे पहले आप इसको समझें, क्या ऐसा है कि 5 के पावर log x बेस 5, 5 के पावर log x बेस 5 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। इट मींस 2 के पावर log 5 के पावर log x बेस 5 इसकी वैल्यू, मेमोरी 5 के पावर log x बेस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी x। इट मींस x और ये बेस कितना मिल जाएगा 2, उम्मीद है समझेंगे। देन फिर अगेन 2 के पावर log x बेस 2 पुनः रिजल्ट क्या हो जाएगा x। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देंगे तो सोचिए जरूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और 2 के पावर 2 के पावर log x स्क्वायर बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की कितनी वैल्यू है, x के कितने हाल है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना है, कई मुद्दे होंगे। तो आप बताओ 2 के पावर log x स्क्वायर बेस 2 में वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। कैसे, तो a के पावर log x बेस a का लिखते हैं, x लिखते हैं, तीन लाना है तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस माइनस कितना क्यों सोचें, तीन आ रहा है ना, चार गुणे एक, चार को चार गुणे, चार में एक जोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा, चार में एक घटाएंगे तो तीन हो जाएगा। तो इसका मतलब कि माइनस चार प्लस एक, माइनस चार प्लस एक माइनस तीन हो जाएगा। यक्स का मान यदि माइनस चार प्लस एक से ये रिजल्ट मिल रहा है तो यक्स की वैल्यू चीन चेंज कर दें, एक्स की वैल्यू 4 मिलेगा और क्या मिलेगा तो माइनस 1 मिलेगा। अब जो हमें x का मान मिला, आप अगले फैक्टर कर सकते हैं, विचार कीजिए कैसे फैक्टर होगा, आपको दल करें सोचिए, तो मैं हल करूं, नहीं आप हल करें तब तब विचार आप सोच आगे बढ़ेगी। तो x का मान 4 पॉसिबल है, यहाँ ना देखें यहाँ पर सर माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये भी पॉसिबल है। इट मीन्स कितने हमें सॉल्यूशन होंगे, ये दोनों दोनों मान पॉसिबल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों मान पॉसिबल है। मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के पावर 2 log 5 बेस 7, वही मुद्दा है, देन 5 और 2 पावर में चला जाएगा, log 5 स्क्वायर बेस 7 देन हो जाएगा 5 स्क्वायर देन 25। इसके बाद बहुत अच्छे से क्वेश्चन अब आने वाले हैं। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुद्दा ये है x के पावर log x माइनस 2 बेस में रूट x इक्वल टू 9 के कितने सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन है। देखो एक बात सुनो, बेस रूट 9 है ना, ये दोनों सेम होता है तब ये रिजल्ट मिलते हैं। बेस रूट 9 है ना, इसका मतलब x, यहां थोड़ा सोच के चलना होगा, x के पावर log x माइनस 2 और यहां x के पावर 1/2 है, यदि यहां 1/2 है तो ये स्क्वायर होता है। कैसे, मैं लिख रहा हूं समझाऊंगा, यहां स्क्वायर हो जाता है, क्या होता है स्क्वायर हो जाता है, फिर मैं बोलूं क्या होता है, यहां स्क्वायर हो जाता है, मेरे पास समझ रहा है, या इसको मैं प्रूफ करूं स्क्वायर है, फिर चलिए मैं आगे लिखूंगा, मैं समझाऊंगा इसे कैसे, x के पावर log x माइनस 2 और का स्क्वायर बेस x, यदि यहां स्क्वायर रूट हो तो यहां स्क्वायर हो जाएगा, यहां स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, बात इक्वल टू कितना 9। अब देखें log इतना का स्क्वायर जो भी x का पूरे रिजल्ट का स्क्वायर बेस x दोनों से सेम है ना, इसका मान x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9।
देन x माइनस टू इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस थ्री, देन x की वैल्यू जो मिलेगी तीन में दो जुट जाएगा पांच, और माइनस तीन में दो, माइनस तीन में दो जुटेगा तो माइनस वन। अब आइए रिजल्ट पर विचार करें, यहाँ पर कितने सोल्यूशन है, मैं ऑप्शन में दिया था चार तीन दो एक, इसके कि हलों की संख्या कितने सोल्यूशन है, हलों की संख्या पूछा गया। अब एक बात सोचो ना, सरूट में निगेटिव होगा नहीं होगा, माइनस पुट करेंगे सर निगेटिव मान, क्या एक्स निगेटिव पर डिफाइंड है, नहीं डिफाइंड है, इसका मतलब हमारे पास एक्स का मान पांच, तो एक्स का मान पांच है तो हल कितना है, तो हल एक हल है, कितने सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है एक हल है, बहुत अच्छा सोच रखिए। हाँ सर यहां पर कैसे आपने लिखा, देखो इसकी मैं टिप्पणी कर रहा हूं, मिटा दे रहा हूं इस चीज को, मैं ऐसे बोला कि लॉग बेस में एक का स्क्वायर यक्स, बेस में एक का स्क्वायर यक्स, इसको लिख सकते हैं, मैं फॉर्मूला समझाया हूं, लॉग यक्स बेस बी बटा लॉग ए स्क्वायर बेस बी, बैक फॉर्मूला देख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं मैं हटा रहा हूं, तो लॉग यक्स बेस बी बटा में टू लॉग, टू लॉग ए बेस बी, अब इसको लिख सकते हैं पुनः वन बाई टू लॉग यक्स बेस बी, देन वन बाई टू, देन लॉग एक्स के पावर वन बाई टू बेस बी, देन लॉग, ओ एक मिनट बेस ए हो जाएगा जी यहाँ पर, देन लॉग ए रूट बेस एक्स। आप ही बताइए, जब यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट हो गया, तो फिर मैं बोलूंगा जब स्क्वायर रूट होगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, इस बात को याद रखिएगा। इसे मैं एक फॉर्मूला समझा रहा हूं ऐसे कि लॉग यक्स बेस ए के पावर, इसका मतलब होता है लॉग यक्स के पावर वन बाई एन बेस ए, और एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट लॉग एंथ रूट बेस में nth root a, या log x base nth root a, इसको बोलते हैं log x के पावर n base, दो चीजें आप फ्यूचर में जरूर आपको काम आएगा सोच रखिए। मैं अगला मैं फोकस करूं, ये तो सॉल्व सॉल्व हो गया, और मैं एक और क्वेश्चन दिया उसके लिए भी ऑप्शन यही है, एक क्वेश्चन मैं और दिया उसके लिए भी ऑप्शन यही है, नीचे लिखा हूं जस्ट जैसे ही, इसके लिए भी यही ऑप्शन है, मैं क्या दिया तो लॉग फोर माइनस वन, फोर माइनस वन बेस फोर इक्वल टू लॉग एक्स माइनस थ्री और बेस कितना टू। अब देखो बेस दोनों अलग अलग है, यहां भी सोचना बेस दोनों अलग अलग है, कि बेस दोनों अलग अलग है तो इसका स्क्वायर होगा ना, तो लॉग फोर का स्क्वायर फोर मिनट बोलती एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू लॉग एक्स माइनस थ्री बेस टू, कितनी गलतियां हो जाएंगी, टू का स्क्वायर होगा ना, और ये स्क्वायर यदि यहाँ हुआ तो स्क्वायर यदि यहाँ हुआ तो वन बाई टू पर लिख दिया अच्छा रहेगा, वन बाई टू स्क्वायर रूट हो जाएगा, अच्छा ठीक है, लॉग रूट में एक्स माइनस वन बेस टू इक्वल टू लॉग एक्स माइनस थ्री बेस टू, अब हट जाएगा दोनों तरफ, तो रूट में एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, दोनों साइड के स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे तो एक्स माइनस वन रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इधर जाएगा ना, ये प्लस इधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, और ये माइनस सेवन
एक्स, और ये जाएगा तो जुट जाएगा, ये जाएगा तो जुट जाएगा, ये जाएगा तो जुट जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस दस इक्वल टू जीरो। पांच दूनी का दस, माइनस पांच माइनस दो, तभी ना माइनस सात आएगा। इसका मान एक्स का मान पांच आएगा और दो आएगा, क्या दोनों डिफाइंड है सोच रखिए। एक्स का मान पांच पुट करेंगे, पांच माइनस एक, सोच रखिए पांच माइनस एक चार डिफाइंड है। एक्स का मान दो, यहाँ ही पांच पुट करेंगे, पांच माइनस तीन डिफाइंड है। एक्स का मान दो पुट करेंगे, दो माइनस एक वन, ठीक है, बट दो माइनस तीन निगेटिव, सर निगेटिव, सर निगेटिव, यहाँ दो पुट करो ना, दो माइनस तीन करोगे तो सर माइनस वन निगेटिव होगा, दो नहीं होगा। इसका मतलब एक्स का मान पांच होगा, यहाँ भी कितना सोल्यूशन होगा, केवल एक सोल्यूशन होगा, विचार कीजिएगा जरूर। मैं अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा हूँ, मिटा दीजिए इसको। मैं बोला कि लॉग संख्या 7/2 है, एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक अभाज्य संख्या। एक बात बताइए, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक अभाज्य संख्या परिमेय होता है, बात माना। तो एक बात सोच लो कि कोई भी लॉगरिथमिक जो वैल्यू होती है, जैसे मुद्दा बनेगा कि लॉग इन बेस इन इक्वल टू वन, इन नॉट इक्वल टू वन, बेस यहां, ये तो समझ रहे होंगे, इतना तो गारंटी, जब ऐसा मिलता है तो पूर्णांक होता है। तो मुद्दा बनेगा परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों तो मैंने यदि अपरिमेय बोल दिए, परिमेय बोल दिए, इसका मतलब दोनों बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मुद्दा यहां पर, ये संख्या रियल में क्या होती है, एक अपरिमेय होती है, पूर्णांकीय मान आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे लॉग हमने हल किया था, लॉग 16/2, तो इसका मतलब दो के पर क्या रखेंगे, 16 हो जाए तो चार, ये पूर्णांकीय मान आएगा, ये परिमेय है, पूर्णांक है, यह अभाज्य संख्या है। लेकिन सर ये हमेशा क्या पॉसिबल है, क्या ये बात यूनिक है, यूनिक नहीं है, यूनिक बात नहीं है। सर कैसे इसे प्रूफ करेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, बात यहां आएगी, कैसे प्रूफ करेंगे कि अपरिमेय संख्या है। तो आइए टिप्पणी करता हूं, विचार किया जाए, तो लॉग 7/2, मैं मान लूंगा कि p/q परिमेय है, ऐसा मैं माना। देखिए किस चीज को गलत ठहराना होता है ना, तो आप पढ़े होंगे, सबसे पहले माने कि नहीं ये परिमेय है, ये परिमेय है, और परिमेय है तो pq belongs to integer and q not equal to 0, ठीक, pq belongs to integer, q not equal to 0। तो आप बताइए 7 equal to क्या होगा, 2k power p/q होगा कि नहीं होगा, 7 equal to 2k power p/q, then 7 इक्वल टू 2k power p का पावर 1/q, देन 1/q, देन 7k power q इक्वल टू होगा 2k power p, एंड p और q इंटीजर है, जीरो तो नहीं है, इसमें क्यों जीरो नहीं है, p और q इंटीजर है। क्या p और q इंटीजर होने से, p और q कोई पूर्णांकीय मान रखने से, देखो एक बात और, q का कोई भी मान रख दो ये ऑड रहेगा, और Q का कोई भी मान रख दो ये ऑड रहेगा, और ये P का कोई भी मान रख दो ये क्या रहेगा, इवन रहेगा। और ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग हैं, ये ऑड ऑलरेडी है और ये इवन ऑलरेडी है, क्या ये दोनों यहां सत्यापित हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, अर्थात जो मैं परिमेय कहा था, परिमेय नहीं हुआ, जब परिमेय नहीं होगा ये दोनों नहीं होगा, अतः क्या होगा, अपरिमेय होगा, विचार करना इस पर जरूर। और मेरा अगला टॉपिक आज का है पूर्णांश और अपूर्णांश, पूर्णांश और अपूर्णांश, पूर्णांश तथा अपूर्णांश।
बहुत अच्छा टॉपिक होगा पूर्णांश और अपूर्णांश। कैरेक्टरिस्टिक एंड मंडपीसा, कैरेक्टरिस्टिक एंड मंडपीसा जो हमारा टॉपिक होगा, कैरेक्टरिस्टिक एंड मंडपीसा। तो प्रत्येक मान किसी संख्या का लॉगरिथमिक मान में दो कंडीशन आता है, उसका एक पूर्णांकीय मान होता है और एक भिन्नात्मक रूप होता है, दशमलव वाला भाग होता है जिसे हम अपूर्णांश कहते हैं। पूर्णांकीय भाग को पूर्णांश कहते हैं और दशमलव वाले भाग को, भिन्नात्मक भाग को क्या बोलेंगे, अपूर्णांश बोलेंगे। पहले तो मैं इस बात को समझाऊं जरा लाइक कि कैसे इस बात को, एन बिलोंग्स टू अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो लॉग एन बेस ए का बाद कंडीशन हाँ एन बिलोंग्स पॉजिटिव रियल नंबर। एन पॉजिटिव रियल नंबर है इसका मतलब, अरे वो जीरो से बड़ा है पॉजिटिव रियल, निगेटिव तो होगा नहीं, जीरो तो होगा नहीं क्योंकि जीरो पॉजिटिव है नहीं, पॉजिटिव रियल जीरो से बड़ा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से ए ग्रेटर जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू वन, अब इस बात को जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें हमें दो बातें मिलेगी, किसी भी संख्या का लॉगरिथमिक मान बात करेंगे तो हमें दो बातें बस मिलेगी, एक होगा पूर्णांक, एक होगा पूर्णांक, एक पूर्णांकीय भाग होगा और एक होगा दशमलव, हाँ दस दशमलव भाग, एक पूर्णांकीय भाग होगा और एक दशमलव वाला भाग होगा। इस पूर्णांकीय भाग को ही बोलते हैं क्या, पूर्णांश, पूर्णांश बोलते हैं, और इस दशमलव भाग को बोलेंगे अपूर्णांश या मंडपीसा या दशमलवांश, जो भी हो। पूर्णांश जो होगा, पूर्णांश ये पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है, पूर्णांश पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो अपूर्णांश होता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जो पूर्णांश होगा वो हमेशा के लिए धनात्मक होगा, और याद रखिएगा कि जो अपूर्णांश होता है ना अपूर्णांश, अपूर्णांश वो एक से छोटा होगा, कभी एक नहीं होगा, एक से छोटा होगा लेकिन जीरो से क्या होगा, बड़ा, जीरो से बड़ा होगा, धनात्मक होगा लेकिन एक से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा, कौन अपूर्णांश। दशमलव जो भाग होगा हमेशा किसी भी लॉगरिथमिक का अपूर्णांश, दशमलव वाला भाग मंडपीसा एक से छोटा होता है और जीरो से बड़ा होता है, कभी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा क्या होगा वो या तो जीरो हो, जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट बात आते हैं जीरो होगा तो चीजें में चला आएगा, तो उसी में बोलूंगा कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा इट मीन्स पॉजिटिव संख्या जीरो से बड़ी होती है बट एक से छोटी होगी। आपको फिर से समझिए, अपूर्णांश पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा मतलब जीरो से बड़ा होगा, जब जीरो से बड़ा होगा तो बड़ा लेकिन एक से क्या होगा, छोटा होगा। और जो पूर्णांश होता है ना, पूर्णांश होता है ना पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। सर पॉजिटिव कब होगा, जब एन का मान एक से बड़ा होगा, एन का मान एक से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, और जैसे ही एन का मान जीरो से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा तो निगेटिव होगा, जीरो से बड़ा और एक से छोटा तो निगेटिव होगा, और एक से बड़ा होगा तो सर एक से बड़ा या बराबर दोनों बोल सकते हैं, बट एक से बड़ा या बराबर, जब एक के बराबर हो जाए तो जीरो हो जाएगा, तो मैं उस जीरो को पॉजिटिव हो सकता हूँ ना, एक से बड़ा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, और फिर समझिए एक से बड़ा होगा एन, एक से बड़ा होगा तो पूर्णांश पॉजिटिव होगा, और एक से छोटा जीरो से बड़ा होगा तो निगेटिव होगा, लेकिन एन इक्वल टू वन हो जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, n इक्वल टू वन हो जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं किस तरह हम पूर्णांश और इस बात को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैसे मैं इस पर चर्चा करूं कि
इन बिलोंग्स टू अ पॉजिटिव रियल नंबर तथा एन जो है ग्रेटर हो तो लॉग लॉग ग्रेटर वन हो अच्छा इक्वल टू बी अच्छा कोई दिक्कत नहीं इक्वल टू भी लगा दी थी दोनों बातें सीख लीजिए हम कैरेक्टरिस्टिक भाई बताने जा रहा तो लॉग एन बेस ए का पूर्णांक कैरेक्टरिस्टिक बराबर होगा एन में दशमलव बिंदु के बाईं ओर दशमलव बिंदु के बाईं ओर अंकों की संख्या माइनस वन मैंने लिखा समझिएगा कि लॉग इन बेस ए का पूर्णांक कैरेक्टरिस्टिक एन में दशमलव बिंदु के बाईं ओर अंकों की संख्या माइनस एक अंकों की संख्या से एक कम इस बात को मैं अच्छे से पहले समझाऊं जैसे लॉग 3478 बेस 10 है कुछ भी हो का कैरेक्टरिस्टिक आप बताओ दशमलव नहीं लगा है अरे एक से बड़ा है ना छोड़ो एक से बड़ा है ना कितने हो एक दो तीन चार तो एन में दशमलव बिंदु के बाईं ओर अंकों की संख्या एक दो तीन चार अगर समझ आ सकते हैं एक दो तीन चार चार अंक है ना तो चार माइनस तीन जो कैरेक्टरिस्टिक जो इसका होगा तीन नहीं समझेंगे देखो और बात करता लॉग 3415.7.258 की कैरेक्टरिस्टिक अब देखो दशमलव है ना एक से बड़ा है उसको इधर से कोई बाएं बाएं की बात किया गया एक दो तीन चार पांच पांच अंक है ना पांच माइनस लॉग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कैरेक्टरिस्टिक होगा नॉन माइनस वन इधर से कोई मतलब नहीं मिटा दो सर वन भी तो आप साथ में लिखे हैं अरे भाई आप बता दो वन वन की वैल्यू जीरो सर कितने आप एक में एक अंक एक अंक तो उसका कैरेक्टरिस्टिक भी जीरो मान भी जीरो क्योंकि अंक एक में से एक माइनस करें क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा जैसे मैं और बात करूं इसी मुद्दे से लॉग 10 की वैल्यू 1 सर कैरेक्टरिस्टिक लेता हूं लॉग 10 दो अंक एक कैरेक्टरिस्टिक है इसका मान लो लॉग 100 बेस 10 है बेस 10 है इसकी वैल्यू 2 3 अंक 2 लॉग 1000 बेस 3 लॉग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ नहीं कितने अंक है एक दो तीन दिशा दो अंक तो कैरेक्टरिस्टिक दो माइनस एक तीन अंक तो दो चार अंक जितने अंक एक कम तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस मैंने दस माइनस एक याद रखना दस माइनस एक किस तरह से बातें करेंगे सर इसके यूज और भी है हाँ देखो आप मैं इस पर टिप्पणी कर दे रहा हूँ पहले इस पर मैं पहले इसको पढ़ा दे रहा हूँ ठीक है इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं देखिएगा यदि टू यदि लॉग टू की वैल्यू 0.3010 हो तो दो के पावर 20 में अंकों की संख्या होगा लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 हो तो 2 के पावर 20 में अंकों की संख्या होगा करना क्या है इसको आप n पढ़ लीजिए क्योंकि n इक्वल टू 2 के पावर 20
देन लॉग इन इक्वल टू लॉग 22 के पावर 20, देन 20 लॉग 2 हो जाएगा। तो 20 से इसमें गुणा कर दीजिए, 0.3010, एक जीरो है, एक जीरो और लग जाएगा, दो कम दो, दो कम दो, दो कम दो, फिर जीरो और तीन दूनी का चार अंक, एक दो तीन चार अंक। बात मैं तो ब्लॉग का मान सीधे लिखा है, देखो बात आती है, जैसे जब मैंने इस बात को लिखा तो हम कह सकते हैं कि 6 + 0.200, 0.0200, थोड़ा सा मैं अभी आगे चल दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है दशमलवांश और ये है पूर्णांश, ये है पूर्णांश। ये बताइए इस संख्या में कितने अंक होंगे जिसका पूर्णांश 6 है, कितने अंक इस एन में, एन में कितने अंक होंगे इस एन में, इस एन में कितने अंक होंगे, एन में कितने अंक होंगे जिसका पूर्णांश 6 है। तो एन में अंकों की संख्या जितना होगा उससे एक कम इसका पूर्णांश होगा 6। इसका मतलब एन में कितने अंक होंगे, 7। जब एन में 7, एन मतलब इसमें, इसमें 7 अंक होगा तभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक 6 होगा। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाँ पेपर के लिए अच्छा होगा। मैं और एक क्वेश्चन बोल देता हूँ, कोई चेंज नहीं करना है, मैं ऐसे बस यहां बस चेंज कर देना है 2 के पावर 4 में अंकों की संख्या, 2 के पावर 50 में अंकों की संख्या, 2 के पावर 50 में अंकों की संख्या, यही बहुत अच्छा मुद्दा है, विचार करें, कुछ नहीं करना। एन इक्वल टू 2 के पावर 50 मानोगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग एन इसका माने 50 × log 2, और log 2 की वैल्यू 50 × 0.3010। तो एक जीरो है, एक और जीरो, 5 × 5 = 0, 5 × 3 = 15, सर 4 × 1 = 2 × 3 = 4। ये है कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है 15, तो 15 कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब जितने अंक होंगे उससे कम एक कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब इनमें कितने अंक होंगे, 16 अंक होंगे। कैसे क्वेश्चन नहीं करना आएगा, एक पेपर से मैं क्वेश्चन बोलता हूँ बहुत अच्छा, और क्वेश्चन है मैं लिख दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ इसको। दिया गया है कि यदि लॉग 3 base 10 इक्वल टू 0.477, तो 3 के पावर 40 में अंकों की संख्या है, जिसका ऑप्शन दिया गया है, कितना ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन छोड़िए मैं फिर से बात कर दूं, लॉग क्वेश्चन है यदि लॉग 3 base 10 इक्वल टू 0.477, तो 3 के पावर 40 में अंकों की संख्या है, करना क्या है, एन इक्वल टू 3 के पावर 40, तो लॉग एन इक्वल टू 40 × log 3, और लॉग 3 की वैल्यू 0.477, देन 0 लग जाएगा, 7 × 28, 7 × 28 के 8 कैरी कितना, 7 × 28 के 8 कैरी 2, 7 × 28 दो 30 कैरी 3, और 4 × 16, 16 × 3 = 19, 3 × 1 = 2, 3 × 1 = 3। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है 19, तो कैरेक्टरिस्टिक 19 है तो एक कम, इसका मतलब एन में कितने अंक होंगे, 20 अंक होंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 19 होगा। हाँ आगे वाला मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से बात करूंगा मैं, साड़ी मैं बोला हूं कि आपको
मैं लॉगरिथमिक टेबल से मैं डीसा लिखने सिखाऊंगा और एंटी लॉग भी पढ़ाऊंगा, पूरा कंप्लीट लॉगरिथम पढ़ाऊंगा। इस बार एक टॉपिक और बात कर दूं जो कि संख्या, जब बात यहाँ है कि एन बिलोंग्स टू अ रियल नंबर तथा एन लेस वन ग्रेटर जीरो, लेस वन ग्रेटर जीरो, तो लॉग एन बेस जो भी हो का पूर्णांक कैरेक्टरिस्टिक जो होगा इक्वल टू होगा, निगेटिव होगा और मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूं दशमलव इन में दशमलव बिंदु के दाईं ओर लगातार शून्यों की संख्या प्लस वन, लगातार शून्यों की संख्या प्लस वन लेकिन निगेटिव। देखो कैरेक्टरिस्टिक तब निगेटिव होता है जब संख्या एक से छोटी और जीरो से क्या होती है बड़ी होती है। जैसे अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन होगा, जैसे लॉग 0.00001 क्या कैरेक्टरिस्टिक, ये बताओ कितने जीरो हैं, एक दो लगातार तीन जीरो हैं, तो लगातार तीन जीरो हैं तो तीन प्लस एक। सर कैरेक्टरिस्टिक माइनस चार लिखेंगे या क्या लिखेंगे, तो चार पे बस चार निगेटिव। और एग्जाम्पल मैं देता हूं लॉग 0.00085 इतना दे दिया और थोड़ा सा बढ़ा दें कि कैरेक्टरिस्टिक कितने जीरो, सोचिए एक दो जीरो, एक दो तीन चार पांच, पांच जीरो है ना तो पांच प्लस एक कैरेक्टरिस्टिक पांच प्लस एक मतलब माइनस छ या छ पे। सर इस पर क्वेश्चन मिलेगा, हाँ जितने लगातार जीरो होंगे, जितने लगातार जीरो होंगे उससे एक अधिक बट निगेटिव, दो दो चार एक पांच, पांच प्लस एक छ। देखो इसका मैं वेरीफाई भी करूंगी वैसे बहुत अच्छा। इसे मैं क्वेश्चन की बात करूं, इसे लॉग 0.1 कितने जीरो है, तो सर कहोगे सर एक भी जीरो नहीं है ना, हाँ एक से छोटा है, एक भी जीरो है दशमलव के दाहिने, एक भी जीरो है नहीं, एक भी जीरो नहीं है ना, यदि एक भी जीरो यहाँ नहीं है इसका मतलब जीरो प्लस वन देन कैरेक्टरिस्टिक माइनस वन, और वही इसकी वैल्यू भी होती है लॉग 0.00 लॉग 0.01 सर एक जीरो है ना तो माइनस टू, लॉग 0.00001 सर कितने जीरो, तीन जीरो है ना माइनस चार, या एक डेसिमल में एक के साथ एक अंक है तो माइनस एक, दो अंक है तो माइनस दो, चार अंक है तो माइनस चार, लॉग 0.00000001 क्या एक दो तीन चार पांच छह सात कैरेक्टरिस्टिक या विचार करेंगे। इसको मैं और एक अच्छा टिप्पणी करूं, हाँ सर में दिमाग में क्वेश्चन आया कि लॉग 0.00001507 ऐसे देते जीरो से नहीं मतलब लगातार जितने जीरो हैं, दो दो चार, लगातार कितने जीरो, दो दो चार जीरो, तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगा ना माइनस चार प्लस एक, दो दो चार जीरो माइनस पांच अर्थात पांच अर्थात। इस पर यदि लॉग 3 बेस 10 = 0.4771 तो 3 के पावर -100 में दशमलव के बाद शून्यों की संख्या है, जैसा मैंने ऑप्शन दिया 120 145 160 नॉन, इस क्वेश्चन में सॉल्व कीजिए, अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन दूंगा और आप इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर दीजिए। और मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में लास्ट मेरा वीडियो होगा जिसमें मैं
एंटीलॉग पढ़ाऊंगा, एंटीलॉग मैं सारी टेबल की बात करूंगा, एंटीलॉग पढ़ाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पर। और पूरा कंप्लीट मैथ में मीन्स अर्थमेटिक और 10+2 के सारे पूरी सिलेबस पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए।